नमस्कार बच्चों, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 1 का चैप्टर 8 लोकतांत्रिक देश में संसद की भूमिका। तो बच्चों, आज हम लोकतंत्रात्मक देश में संसद की भूमिका के बारे में जानेंगे। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करने की सत्ता कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देता है। जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करती है। वह अपने मनपसंद नेताओं का मत तय कर चुनती है। एक बार चुनी गई व्यक्ति नेता और प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदम का आधार बताना पड़ता है और स्पष्टता करनी पड़ती है। दूसरी सरकार ऐसी होती है कि जैसे राजाशाही सरकार कहते हैं, उसमें राजा अथवा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की सत्ता होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जिसकी मदद से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की सत्ता उसी के पास रहती है। तो बच्चों, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करने की सत्ता कौन देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार की सरकार चल रही है। लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देती है क्योंकि जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन यानी कि चुनते हैं। वह अपने मनपसंद नेताओं को मत देते हैं और उसी तरह उनकी उन्हें चुनते हैं। एक बार चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? नेता और प्रतिनिधि। वही क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदम का आधार बताना पड़ता है और स्पष्टता करनी पड़ती है। दूसरी सरकार ऐसी होती है कि जैसे राजाशाही सरकार कहते हैं, तो इसमें क्या आएगा? उसमें राजा अथवा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की भी सत्ता होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है। समूह यानी कि वर्ग होता है जिसकी मदद से अलग अलग विषयों पर चर्चा करनी होती है। अंतिम निर्णय लेने की सत्ता किसके पास होती है? राजा और रानी के पास होती है। लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि सत्ता किसी एकाध व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। उसमें राज्य के सभी लोगों का सार्वभौमत्व होता है। लोग स्वयं ही अपने भाग्य विधाता होते हैं। सार्वभौमत्व राज्य का अनिवार्य लक्षण है। यानी कि बच्चों, लोकतंत्र का एक अनिवार्य यानी कि महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो उसमें सत्ता के किसी एकाध यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। सत्ता जो होती है एकाध व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। उसमें राज्य के सभी लोगों का प्राधान्य होता है। लोग स्वयं ही अपने भाग्य विधाता और सार्वभौमत्व राज्य का अनिवार्य लक्षण कहा गया है। लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग होता है। लोकतांत्रिक राजव्यवस्था लोगों के लिए होती है, अर्थात उसका क्या अर्थात होता है? अधिक से अधिक लोगों के हितों का ध्यान रखना लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है। तो बच्चों, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक राजव्यवस्था किसके लिए होती है? तो लोगों के लिए होती है और उसका अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हितों का ध्यान भी लोकतंत्र मुख्य लक्षण है। लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं ही करते हैं। लोकतंत्र का संचालन कौन करता है? लोग स्वयं यानी कि अपने आप ही करते हैं क्योंकि राजव्यवस्था के संचालक लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो राजव्यवस्था के संचालन कौन करता है? तो लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वही करते हैं। तो बच्चों, हम जानेंगे कि इतना जानी ये में तो सरकार का स्वरूप देखेंगे। तो सरकार का स्वरूप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, राजतंत्र और लोकतांत्रिक यानी कि इसे क्या कहते हैं? लोकशाही भी कहते हैं। तो बच्चों, सरकार का स्वरूप राजतंत्र और लोकशाही है। तो लोकशाही में हम देख सकते हैं
अध्यक्ष मुक्त सरकार और उसे क्या कहते हैं, प्रमुख निष और संसदीय सरकार। तो बच्चों हम पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि अध्यक्षात्मक सरकार यानी कि जिसे क्या कहते हैं, प्रमुख निष, उसमें भी दो भाग है। कितने भाग है, दो। एक एकात्मक सरकार यानी कि एकात्मक और संघीय सरकार यानी कि समवाय तंत्र। इसमें क्या होता है, संघीय सरकार में एक से ज़्यादा जूत उसमें समावित होते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे संसदीय संसदीय सरकार, उसमें भी बच्चों दो विभाग है, एक एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। तो सरकार का स्वरूप हमने देख लिया, राजतंत्र और लोकशाही। तो लोकशाही में क्या होगा, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। संघीय सरकार में एकात्मक और समवाय तंत्र और संघीय सरकार में एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। तो बच्चों हम आगे देखेंगे, आपके यहाँ विद्यालय पंचायत का चुनाव होता होगा। तो बच्चों हमारे स्कूल में क्या होता है, हमारे विद्यालय में पंचायत का चुनाव होता होगा। उसी प्रकार आपके वर्ग मॉनिटर का चुनाव होता है, उसी तरह हमारे क्लास में मॉनिटर चुनने के लिए भी चुनाव होता है। कभी कभी आपके क्लास में किसी विद्यार्थी का सीधा चुनाव करके मॉनिटर बनाया जाए और मॉनिटर का चुनाव न हो। तो कभी कभार कैसा होता है, हमारे क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं वही क्लास में, कभी कभी हमारे क्लास में किसी विद्यार्थी का सीधा चुनाव यानी कि सारे क्लास का चुनाव नहीं और सीधे ही मॉनिटर का चुनाव किया जाता है। और मॉनिटर का जो सारे क्लास में क्लास के बच्चों को चुनाव नहीं किया जाना, जिससे वर्ग में मॉनिटर बनने की इच्छुक अन्य विद्यार्थी को अवसर नहीं मिलता, यानी कि हमारे क्लास में सीधे मॉनिटर की चुनाव हो जाती है। तो हमारे क्लास के अन्य जो बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उसे भी क्या होता है, मुझे भी मॉनिटर बनना है ऐसी उत्सुकता होती है। वो सीधे चुनाव से, मॉनिटर के सीधे चुनाव से अन्य जो विद्यार्थी होते हैं उसकी उत्सुकता क्या होती है, धरी की धरी रह जाती है, जिसमें वो नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं, उसके कारण वो नाराज़ भी हो सकते हैं। विद्यालय पंचायत की तरह लोकतंत्रात्मक सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चुनाव में चुने गए बहुमत वाले पक्ष दल के नेताओं को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों के संसद सदस्यों में से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करके उन्हें अलग अलग विभागों को सौंपता है, यानी कि विद्यालय की पंचायत की तरह लोकतंत्र सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चुनाव में चुने गए बहुमत वाले पक्ष यानी कि दल के जो नेता होते हैं उसे क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों जैसे कि संसद सदस्यों में से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करता है और उन्हें अलग अलग विभागों को सौंपा जाता है। जिम्मेदारी यानी कि अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है। किस तरह बनती है संसद, तो बच्चों हम देख सकते हैं संसद यानी कि क्या कहते हैं इसे, पार्लियामेंट। संसद ने संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप का स्वीकार किया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। भारत की संसद राष्ट्रपति और दो सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनती है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। तो बच्चों संसद ने संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप को क्या किया है, स्वीकार किया है यानी कि सम्मिलित किया है। भारत में संसद सर्वोच्च सत्ता है यानी कि भारत में संसद क्या है, सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपरी सत्ता है। भारत की संसद राष्ट्रपति और दो सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनी हुई है। भारत की संसद किन दोनों सदस्यों से बनी है, तो राष्ट्रपति दो सदनों
तो कौन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा से बनी हुई है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन कहलाया जाता है। राज्यसभा क्या है? संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। बच्चों आप लाइन कर सकते हो। जबकि लोकसभा क्या है? संसद का निचला सदन कहलाया जाता है। तो बच्चों ये आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लाइन कर सकते हैं। राज्यसभा का संसद का ऊपरी सदन और लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाया जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे संसद। तो संसद में लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट। और लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कुल सदस्य कितनी होती है? 545। और गुजरात की कितनी बैठकें होती है? 26 बैठकें होती है। और राज्यसभा में कुल सदस्य कितनी होते हैं? 250। और गुजरात की कितनी बैठकें होती है? 11 बैठकें होती है। तो आपको ये भी याद रखने है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद रचित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास का प्रतीक है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजा की सहमति और भागीदारी होती है। हमारी शासन व्यवस्था में संसद के पास संपूर्ण और महत्वपूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो बच्चों स्वतंत्रता के बाद रचित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास का प्रतीक है। यानी कि स्वतंत्र यानी कि भारत आजाद हुआ तब से भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों को विश्वास का प्रतीक बन चुका है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजा की सहमति लेनी पड़ती है और प्रजा की सहमति और भागीदारी दोनों की होती है। हमारी शासन व्यवस्था में संसद के पास संपूर्ण और महत्वपूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो संसद निम्नानुसार कार्य करती है। तो बच्चों संसद कैसे काम करती है? निम्नानुसार यानी कि जैसे भी नियम बनाए उसके हिसाब से कार्य करती है। एक, सरकार पर विविध रूप से नियंत्रण रखना और उसे उत्तरदायी रखना है। तो सरकार पर विविध रूप से क्या करना है? नियंत्रण रखना है और उसे उत्तरदायित्व बनाना है। कानून बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, पुराने कानून रद्द करना, यानी कि कानून बनाना तथा उसमें क्या करना? समय के हिसाब से परिवर्तन करना है और पुराने जो कानून बनाए गए हैं उसे रद्द करना है। तो बच्चों 8.1 संसद भवन, आप संसद भवन के मानचित्र देख सकते हो। तो किस तरह बनती है लोकसभा? उसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा के लिए राज्य की विधानसभा की तरह की चुनाव आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है। हर एक संसदीय मत विस्तार में से एक उम्मीदवार को सांसद चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकांशतः अलग अलग राजनीतिक पक्ष के सदस्य होते हैं। चुने हुए उम्मीदवार को संसद यानी कि सदस्य MP कहा जाता है। इन सभी संसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। तो बच्चों किस तरह बनती है लोकसभा? तो लोकसभा के लिए राज्य की विधानसभा की तरह क्या होता है? चुनाव का आयोजन किया जाता है, वो भी प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है। हर एक संसदीय मत विस्तार में से एक उम्मीदवार को चुना जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकांश यानी कि अलग अलग राजनीतिक पक्षों के सदस्य होते हैं। यानी कि चुनाव लड़ने वाले कई लोग होते हैं उम्मीदवार, वो अधिकांश अलग अलग राजनीतिक पक्षों के सदस्य होते हैं। चुने हुए उम्मीदवार को संसद यानी कि कौन सा सदस्य कहा जाता है? MP कहा जाता है। इन सभी संसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। इन सभी संसदों को मिलाकर क्या बनती है? लोकसभा बनती है। तो किस तरह बनता है शासक पक्ष? लोकसभा के चुनाव के बाद संसद सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है, जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के कितने सदस्य संसद है। यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनना चाहता है तो उसे निर्वाचित संसदों की बहुमति मिलनी
चाहिए। यानी कि लोकसभा की जब चुनाव होता है तब उसके बाद संसद सदस्यों की एक सूची यानी कि लिस्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर सत्ता चलाने की कौन कौन से राजनीतिक पक्ष से कितने सदस्य है। यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों की बहुमति मिलनी चाहिए। सामान्य रूप से चुनाव के बाद जिस दल अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलता हो उस दल के नेता को राष्ट्रीय प्रति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो बच्चों, सामान्य रूप से चुनाव के बाद क्या होता है, दल यानी कि नेता अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट जिसे भी बहुमति यानी ज़्यादातर मिलती है उस दल के नेता को राष्ट्रीय प्रति या प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त या चुनना होता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में शासक दल का प्रधान होता है। यानी कि बच्चों, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है इसे क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जो लोकसभा में शासक दल का क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री अपनी दल के संसदों में से मंत्रियों को पसंद करते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल की रचना होती है। तो प्रधानमंत्री अपने दल के नेता संसदों में से मंत्रियों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इस तरह के मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रीगण प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। यानी कि मंत्रीगण, सभी मंत्रीगण क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं। यह मंत्री संघीय सूची में आने वाले क्षेत्रों में विविध सरकारी कार्यों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। ये जो मंत्री होते हैं संघीय सूची में आने वाले सभी नेताओं, दल के नेताओं विविध सरकारी कार्यों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। यानी कि अपना जो पद होते हैं वो संभालते हैं। तो किस तरह बनती है राज्यसभा? तो बच्चों, हम देखेंगे किस तरह बनती है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 250 निश्चित की गई है, जिसमें 238 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका संपूर्ण विसर्जन नहीं होता। हर 2 वर्ष इसके तीसरे भाग के सदस्य निवृत्त होते हैं और इतने ही सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग राज्यों में किया जाता है और विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। यानी कि विधानसभा में जो व्यक्ति चुने गए उस सदस्यों के द्वारा ही उसका चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 250 निश्चित की गई है और जिसमें 238 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 250 में जो निश्चित किया गई संख्या है उसमें से 238 संख्याओं का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका संपूर्ण विसर्जन नहीं होता। तो राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी यानी कि स्थान पर ही रहने वाला, विसर्जन नहीं होता, उसका संपूर्ण विसर्जन किया नहीं जा सकता है। और 2 वर्ष पर इसके तीसरे भाग के सदस्य निवृत्त होते हैं। यानी कि बच्चों, हर 2 साल के बाद क्या होते हैं, इसके तीसरे भाग के सदस्य क्या होते हैं, निवृत्त यानी कि रिटायरमेंट लेते हैं और उतने ही सदस्यों का चुनाव किया जाता है और उसमें आने वाले उतने ही सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो बच्चों, हम देखेंगे राज्यसभा देश के राज्यों के प्रतिनिधि रूप में कार्य करती है। राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हो सकता है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने से पहले राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है। इस तरह राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का संचालन करने वालों को क्या कहता है, सभापति कहते हैं। पदानुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। यानी कि
राज्यसभा देश के राज्यों के प्रतिनिधि रूप में क्या करती है, अपना कार्य करती है। राज्यसभा में विधेयक जो भी प्रस्तुत करता हो सकता है, किसी भी विधेयक के कानून के स्वरूप में लागू करने से पहले राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। यानी कि बच्चों, किसी भी विधेयक को कानून में पेश करने से पहले, स्वरूप में लाने के पहले, लागू करने से पहले राज्यसभा की मंजूरी लेनी पड़ती है, उसे पूछना पड़ता है। संसद का यह सदस्य लोकसभा द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करता है, और संसद का जो सदन लोकसभा द्वारा जो बनाए गए कानून रखे हुए हैं उससे पहले क्या करता है, समीक्षा यानी कि टिप्पणी करता है, देखता है, और इसके बाद इस तरह राज्यसभा की भूमिका का महत्वपूर्ण है, और इसी तरह राज्यसभा की भूमिका का महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। राज्यसभा का जो भी संचालन करता है उसे सभापति कहते हैं। पद अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तो पद अनुसार और नियम अनुसार पद के आधार पर उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं। तो बच्चों हम आगे देखेंगे तो 8.2 का संसद का प्रश्नोत्तरी समय का दृश्य मानचित्र आप देख सकते हो। तो बच्चों 8.2 संसद का प्रश्नोत्तरी समय का मानचित्र आप देख सकते हो। जब संसद का सत्र चलता हो तो सर्वप्रथम प्रश्नोत्तरी के लिए निर्धारित किया जाता है। यानी कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तब सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले प्रश्नोत्तरी के लिए समय निर्धारित किया जाता है। समय निर्धारित के लिए सभा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से संसद सदस्य सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों जिसके माध्यम से ये जो सभा मिलती है उस सभा से, उस माध्यम से संसद का सदस्य सरकार का कौन कौन सा कामकाज है उसके विषय में जानकारी लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा संसद कार्यकारिणी को नियंत्रण में रखती है, और उसके द्वारा संसद जो कार्य करता है उससे वो नियंत्रण में भी रख सकता है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी कमियां के प्रति ध्यान दिलाते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी कौन कौन सी कमियां हैं वो लोगों के प्रति जान सकते हैं, और उस जानकारी के लिए ध्यान दे सकते हैं। इस तरह सरकार को जनप्रतिनिधि की तरफ से प्रजा के विचार का जानने का अवसर भी मिलता है। ये जो सभा मिलती है उससे सरकार को जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रजा के जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का निराकरण लाने और उसके विचार, मन में क्या विचार है ये जानने का अवसर भी सरकार को मिलता है। सरकार के प्रश्न पूछना संसद सदस्य का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। यानी कि ये जो सभा मिलती है उससे सरकार से प्रश्न पूछना संसद सदस्यों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्रश्न है, और लोकतंत्र में अच्छे प्रशासन के लिए विरोध पक्ष की भी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका होती है। यानी कि बच्चों लोकतंत्रों में अच्छे प्रशासन होना अनिवार्य होना के लिए विरोध पक्ष के लिए भी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका कहलाती है। उससे सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों की कमियां सामने आती है। उस सभा से लोगों की बातचीत से आमने सामने बैठकर जो होती है उससे सरकार की जो कौन कौन सी नीतियां है, उसके कौन कौन से कार्यक्रम है और उसमें कौन कौन सी कमियां है वो भी सामने आ जाती है। लोकसभा का संचालन करने वाले को अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कहते हैं। यानी कि लोकसभा का जो संचालन करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो लोकसभा का स्पीकर कहते हैं, यानी कि अध्यक्ष। तो बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जा सकते हैं, आप लाइन कर सकते हो। तो बच्चों हम देखेंगे प्रेसिडेंस। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं बच्चों, तो प्रेसिडेंट। संसद के अंगभूत भाग माने जाते हैं। तो बच्चों एक वाक्य का आपको प्रश्न पूछा जा
पूछा जाएगा कि संसद के अंगभूत भाग किसे माने जाते हैं। तो किसे बच्चों आएगा, कौन किसको आएगा, राष्ट्रपति को अंगभूत भाग माने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक उसे हस्ताक्षर के बाद कानून बनते हैं। यानी कि संसद में दोनों सदनों द्वारा क्या होता है, उस दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक उसके क्या करते हैं, हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनते हैं। यानी कि किसके हस्ताक्षर होने चाहिए, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही क्या होता है, वो कानून बनता है। संसद की बैठक बुलाने और सत्र समाप्ति की घोषणा करने का उन्हें अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने का हक है और सत्र समाप्ति की घोषणा करने का भी उन्हें संपूर्ण अधिकार होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और आपका स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीन, आपके गांव क्षेत्रों और तहसील तालुकाओं में पानी, बिजली और रोड सड़क के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप किस किस को क्या क्या निवेदन करेंगे, उसे लिखिए। तो बच्चों, आपका स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है और प्रश्न एक और दो आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। थैंक यू।